हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो है संधारित्रों की संचित ऊर्जा। जो यहाँ पे हमने लिखती है संधारित्रों की संचित ऊर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और इसका फॉर्मूला जो मिलेगा उसको बहुत तरीके से न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज होता है, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया संधारित्रों की संचित ऊर्जा। सबसे पहले इसका हम परिभाषा पे बात करेंगे। तो परिभाषा हम इसके फॉर्मूले से ही करेंगे। तो संधारित्रों की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है संचित ऊर्जा। तो संधारित्रों की संचित ऊर्जा बराबर होता है औसत विभव, औसत विभव अकूणे कुल आवेश। ये यहां पे हमने क्या लिखा है, संधारित्रों की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, जो आपको याद रखना है कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ये होता है। अब यहीं से हम परिभाषा क्या करेंगे, मान लेते हैं कोई संधारित्र है। अब उस संधारित्र पर कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं एक संधारित्र है, ऐसे ही हमने सपोज डैट आपको मान लेना है कि ये एक संधारित्र है, ठीक है। तो इस संधारित्र पर कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित होगा कि नहीं, और जब किसी भी संधारित्र पर आवेश उपस्थित होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ विभव उत्पन्न होगा। तो यही कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश तथा उसके औसत विभव के गुणनफल को संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं। बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया ना परिभाषा। आप क्या कहेंगे, मान लेते हैं कोई संधारित्र है, तो हम कह रहे हैं किसी संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश तथा उसका औसत विभव के गुणनफल को संधारित्र की संचित ऊर्जा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा याद हो गया होगा। इस फॉर्मूले को याद करेंगे, परिभाषा ऐसे ही याद हो गया। तो हम लिख देते हैं परिभाषा, पहले आप लिखेंगे किसी संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश तथा औसत विभव के गुणनफल को संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं, संधारित्रों की संचित ऊर्जा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि संधारित्रों की संचित ऊर्जा का परिभाषा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसको हम थोड़ा सा आगे, जो आपके न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल जो क्या है फॉर्मूले है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए संधारित्रों की संचित ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, और U इज इक्वल टू औसत विभव। तो औसत विभव क्या हो जाएगा, प्रारंभिक विभव इसका शून्य होगा, अंतिम विभव भी बाई टू हो जाएगा, ये औसत विभव हो गया, और कुल आवेश है तो इसको हमने क्यू लिख दिया। देखिए औसत विभव बराबर क्या होता है, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई टू। अब प्रारंभिक विभव क्यों हमने शून्य लिया है, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई संधारित्र है और उस पर हमने आवेश नहीं दिया है, तो जब हमने आवेश नहीं दिया है तो उस समय विभव क्या होगा, शून्य होगा। इसका मतलब प्रारंभिक विभव शून्य है, और जैसे ही हमने आवेश दिया, तो उसका विभव भी उत्पन्न हो गया, मतलब ये अंतिम विभव है, प्रारंभिक विभव शून्य है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। यू इज इक्वल टू, ये अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, भी क्यू बाई टू हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं जब ये हटेगा। तो अब सिंपल में हम इसी को चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन अपन टू क्यू भी स्क्वायर, ऐसे हम लिख देते हैं, क्यू को पहले कर देते हैं या भी को बाद में, क्यों ऐसा हमने किया है, अब इतना बेसिक है, ठीक है। आप चाहें तो भी क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हमने इसलिए लिखा कि क्योंकि जब तक हम आवेश नहीं देंगे तब तक उस पर विभव उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे हम देखिए इसी फॉर्मूले से
ये आपका फॉर्मूला हो गया संधारित्रों की संचित ऊर्जा कोई फॉर्मूला का है, तो आप ये बताने के बाद आप इस तरीके से बता देंगे कि U इजकल टू हाफ क्यू भी होता है। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या निकालेंगे, चूंकि हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, धारिता, धारिता C इजकल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, ये बात होता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें, Q का ये भी इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा तो C भी हो जाएगा, तो ये एक Q का मान हमें निकला। अब यहीं से अगर हम थोड़ा सा सोचें तो ये इधर C इधर गुणा में है और इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ से भी का जो मान निकला वो Q बाई C निकला, निकला कि नहीं। यहाँ पर देखिए हमने दोनों का मान निकाल दिया है, Q का और C का। सबसे पहले हमने भी को इधर भेजा है तो Q का मान निकल गया है, Q बराबर C भी, उसके बाद भी इधर क्या है, C इधर क्या है, गुणा में है, इधर हमने भाग में भेज दिया है तो Q बाई C हो गया भी का मान। अब हम सबसे पहले कि यहाँ पे देखेंगे आप तो सॉरी यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे है Q, तो Q की जगह पर हम इतना पहले रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो सिंपल में यदि हम रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, U इजकल टू हाफ और क्यू हमने क्यू भी है तो क्यू भी हमने लिख दिया। अब क्यू की जगह पर हमें सी भी रखना है, चलिए हम रखते हैं वन अपन टू और सी भी हमने रख दिया, अब फिर से हमने भी रख दिया। ठीक है, क्यू की जगह पर सी भी रख दिया, अब भी में गुणा होगा तो भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से यू का जो मान निकला वो वन अपन टू सी भी स्क्वायर हो गया। तो ये आपको मिल गया एक और फॉर्मूला जो है संधारित्रों की संचित ऊर्जा इजकल टू हाफ सी भी स्क्वायर, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो एक ये फॉर्मूला आपको मिल गया, एक ये फॉर्मूला मिल गया, दो फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे भी का जो मान है उसको अब यहाँ पे हम पुटअप करते हैं तो एक और हमें फॉर्मूला मिलेगा जो है यू इजकल टू हाफ क्यू भी है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यू इजकल टू टू और क्यू हमने लिख दिया, अब भी के जगह पर हम क्यू बाई सी लिखेंगे, इस भी के जगह पर हम क्या लिखेंगे क्यू बाई सी हमने लिख दिया, तो आप देख रहे हैं क्यू क्यू गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिला यू इजकल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो एक और हमें फॉर्मूला मिला। तो आप देख रहे हैं कि हमें तीन ये फॉर्मूले मिले हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब इन तीनों में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्यू और भी दिया है, ठीक है, सी नहीं दिया है, तो ये अगर फॉर्मूला कब यूज होगा, जब संधारित्र आपसे पूछेगा सी का मान। यहाँ पे ये फॉर्मूला कब यूज होगा, देख रहे हैं यहाँ पे आवेश नहीं है, जब क्यू का मान आपसे पूछेगा तब जाकर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि विभव नहीं है, मतलब भी का मान नहीं है, तो जब विभव पूछेगा तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसलिए हमने ये तीनों फॉर्मूले बताए क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी संधारित्र पूछ सकता है, आवेश भी पूछ सकता है, विभव भी पूछ सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट नोट्स के लिए कह रहे थे, तो आपको पता होगा कि पूरे फिजिक्स के आपके क्लास 12 फिजिक्स का पूरा नोट्स आपको दिया जा रहा है, ओनली कितने, ओनली आपको 69 रुपये में आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट नोट्स को ले रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनका सही उपयोग कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आपने नोट्स लिया उसका टू कॉपी कराकर आपने रख लिया और उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उस नोट्स को लीजिए, उससे आप सीखिए कि कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है, उसका कुछ हेल्प लीजिए, कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सजा कर लिखेंगे तब तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा, वो अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से उस नोट से आपको बहुत कुछ सीखना भी है। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर, उस पर जाइए, वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है, सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कराया जा रहा है, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको कराए जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, वो सब आपको बताया जा रहा है। तो उस चैनल से जाकर जुड़ जाइए और वहां से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।